हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे लुकिंग अराउंड, ओके, स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर 16, माय हाउस। ठीक है, वर्कबुक में हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिया था ना। मैंने आपको पीडीएफ में क्वेश्चन 7 के आंसर भेज दिए थे, आई होप आप सब ने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, वो वाला है, वो हम करने वाले हैं। ओके, सब अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 29, चैप्टर 16 निकालो। चलो क्वेश्चन 8, उसमें फर्स्ट वाला देखो। व्हाट केयर हैज टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन हाउस मेड अप ऑफ बाम्बू और वुड। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि जो लोग हैं वो घर में बाम्बू और वुड, लकड़ी के घर में रहते हैं, उनको किन किन चीज़ों से केयर करनी पड़ती है उन हाउस की, तो उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, उसमें चलो पेज टर्न करो सेकंड वाला। वाई आर हाउसेज मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। भूपेन जहाँ रहता है वहाँ के घरों में हमें बाम्बू की लकड़ी के पिलर क्यों बनाने पड़ते हैं, वो लिखना है। थर्ड वाला देखो। व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस। भूपेन के हाउस की जो छत है वो ऐसी अलग क्यों है और वो किससे बनती है, वो हमें लिखना है। ओके, चलो। फोर, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउस। अगर हम पत्थर का घर बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है, वो लिखना है। ओके, फिफ्थ में, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द रूप्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। चमेली का घर और भूपेन के घर की, इन दोनों के घर की जो छत है उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, वो लिखना है। सिक्स वाला, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउस। पक्के मकान में रहने के फायदे क्या है, वो लिखना है। सामने की पेज में देखो, पेज नंबर 31, सेवन वाला। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग में लोग ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, वो लिखना है। एट वाला, व्हाट केयर हैज टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउसेस। जो कच्चे मकान में यानी कि मिट्टी वाले मकान में रहते हैं, हाउस में रहते हैं, उनके लिए उनको किन किन चीज़ों से सावधानी बरतनी पड़ती है, वो लिखना है। नाइन वाला, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। हाउस बोट है, बोट के ऊपर जो हाउस होता है वो दूसरे हाउस से अलग कैसे पड़ता है, वो लिखना है। टेन वाला देखो, वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस लाइक अ हाउस बोट, वाई। आपको हाउस बोट वाले हाउस में रहना अच्छा लगता है, क्यों, वो लिखना है। ठीक है, चलो पेज टर्न करो, पेज नंबर 32। ओके, 11 वाला देखो। व्हाट डिफिकल्टी डू पीपल हु डू नॉट हैव अ हाउस फेस। वो लोग क्या करते होंगे जिनके पास घर नहीं होता है, उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो लिखना है। 12 वाला देखो। वाई आर मल्टी स्टोरेड हाउसेज बिल्ड इन सिटीज। जो बिल्डिंग्स होती है वो सिटीज में ही क्यों बनाई जाती है, गांव में क्यों नहीं बनाई जाती, वो लिखना है। 13, वाई डू पीपल ऑफ कच्चा बिल्ड विगवाम्स यानी कि भुगनो टू लिव इन। ओके, कच्चा बिल्ड विगवाम्स यानी लोग हैं वो कच्चे मकान में क्यों रहते हैं, वो लिखना है। वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, वो लिखना है। तो जो ये क्वेश्चन 8 में 1 से लेकर 14 के क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, ठीक है, उनके आंसर आप पीडीएफ में से देखकर लिख लेना। ओके, चलो क्वेश्चन 9 देखो, पेज नंबर 33 पे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस हाउसेस गिवन बिलो। आपको नीचे पिक्चर दी गई है अलग अलग हाउसेस की, तो आपको क्या करना है, राइट वन फॉर कच्चा हाउसेस। जो मकान आपको कच्चा लग रहा है वहाँ पे आपको वन लिखना है। टू फॉर पक्का हाउसेस, जो पक्का मकान है उसमें आपको टू लिखना है। एंड थ्री फॉर हाउसेज इन हैवी रेनफॉल एरियाज, और जिन एरियो में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है उन एरियो में घर कैसा होता है, वहाँ पे आपको 3 लिखना है।
ठीक है। तो चलो फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट पिक्चर देखते ही पता चल जाता है कि ये है वो कच्चा हाउस है, तो आपको वहाँ पे लिखना है वन। ओके, सेकेंड वाली देखो, सेकेंड वाली पिक्चर कौन सी है, भूपेन के घर की है। वह उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे पिलर है, लकड़ी के पिलर है, देखो इस पिक्चर में भी है। तो ये कहाँ की हुई कि जहाँ पे बहुत ही हेवी रेन होता है वहाँ का हाउस है, तो उस पर आपको लिखना है थ्री। ओके, थर्ड वाला देखो, देखते ही पता चलता है बिल्डिंग पक्का हाउस है, टू लिखना है उसमें। नीचे सेकेंड में देखो, फर्स्ट वाला पिक्चर बंगलो टाइप है, यानी कि पक्का मकान है, उसमें आपको लिखना है टू। चलो फिफ्थ वाला देखो, उसमें क्या है, देख के ही पता चलता है कि कच्चा हाउस है, आपको लिखना है वन। ठीक है, सिक्स वाला देखो, पक्का हाउस है, आपको टू लिखना है वहाँ पे। चलो सेवन वाला देखो, लकड़ी का है, पिलर भी है, लेडर भी है, तो कहाँ का होगा कि जहाँ पे बहुत ही बारिश होती होंगी वहाँ पे ऐसे घर बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना है थ्री। ठीक है, चलो लास्ट सेकंड देखो, क्या है, कच्चा मकान है, देखो मिट्टी की दीवार है और छत है, वो किससे बनी है, छत है वो डाली पेड़ पत्ते उससे बनी है, तो ये मकान कैसा हुआ हमारा, कच्चा हुआ, तो आपको वहाँ पे लिखना है वन। ओके, चलो लास्ट पिक्चर देखो, पक्का हाउस की है, उस पर आपको लिखना है टू। ओके, चलो पेज टर्न करो, पेज नंबर 34। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो एक्टिविटी दी है उसमें आपको क्या करना है, कलर द हाउस गिवन बिलो विथ योर फेवरेट कलर्स, आपके जो फेवरेट कलर्स है, आपको जो कलर्स पसंद है उसमें से आपको ये नीचे हाउस का जो पिक्चर दिया है उसमें कलर करना है। ठीक है, चलो नीचे देखो, हॉट क्वेश्चंस MCQs दिए हैं हमें। ठीक है, तो पहले वाला देखो, व्हाट इज अ स्नो हाउस नॉन एज, स्नो हाउस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन देखो, विगवाम, हाउस बोट, इग्लू के हर्ट, इग्लू, तो आपको लिखना है सी, फर्स्ट में लिखना है सी। ओके, सेकेंड वाला, इन विच स्टेट आर हाउस बोट सीन, हाउस बोट है वो कहाँ पे हमें दिखाई देती है, ऑप्शन देखो, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड बिहार, तो कहाँ पे दिखाई देती है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो सेकेंड में आपको लिखना है बी, जम्मू एंड कश्मीर में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे लेक भी बहुत ज़्यादा है, तो जो टूरिस्ट आते हैं वो हाउस बोट में बैठना पसंद करते हैं और वहाँ के नज़ारे हैं वो देखते हैं। गुजरात, पंजाब, बिहार, इसमें तो कहीं पे भी हमारे यहाँ तो लेक के वैसा कुछ है नहीं, तो हमारे यहाँ भी हमने हाउस बोट कहाँ देखी है, तो इसमें आएगा बी। ठीक है, चलो थर्ड वाला, व्हाट फैसिलिटीज इज देयर इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स फॉर गोइंग अप, बिल्डिंग्स में ऊपर जाने के लिए कौन सी सुविधाएं होती है, ऑप्शन देखो, रोपवे, स्टेप्स, वुडन लेडर, लिफ्ट यानी एलिवेटर, तो क्या होती है, आप सब बिल्डिंग्स में रहते ही है तो सबको पता ही है कि लिफ्ट के जरिए हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, तो उसमें आएगा डी, तो थर्ड में आपको लिखना है डी। ओके, फोर्थ वाला देखो, देर इज़ अ हेवी रेनफॉल इन आसाम, सो द हाउस इज देर, आसाम में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के घर कैसे है, ऑप्शन देखो, हैव टेरेसिस, हैव स्लोपिंग रूफ्स, आर ट्रायंगुलर शेप, हैव रेक्टेंगुलर शीट्स। ठीक है, बहुत ही बारिश होती है तो बारिश की वजह से वहाँ की छत कैसी है, स्लोपिंग वाली, मैंने आपको समझाया था स्लोपिंग वाली, यानी ऐसी छतें होती है, यानी क्या होता है, रेन यानी कि बारिश का पानी है वो सीधा नीचे उतरकर ज़मीन में चला जाता है। ओके, तो फोर्थ में आएगा बी, हैव स्लोपिंग रूफ्स। फिफ्थ वाला देखो, वेर इज दाल लेक, चैप्टर में हमने देखा था दाल लेक कहाँ पे है, इन जम्मू एंड कश्मीर, तो फिफ्थ में आएगा ए। सिक्स वाला, लास्ट वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ कश्मीर, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए है उसमें से देखकर कश्मीर की जो स्पेशलिटी है वो हमें लिखना है, तो क्या है, तो सबसे पहले देखो शिकारा, फिर क्या है हाउस बोट, फिर क्या है कहवा, और डी इग्लू, तो इग्लू है वो कश्मीर की स्पेशलिटी नहीं है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, डी आएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में शिकारा आया है,
हाँ, दाल लेक में हमने हाउस बोट भी देखी थी, और वहाँ का जो ड्रिंक है, फेवरेट ड्रिंक है, स्पेशल ड्रिंक, वो क्या है, कहवा, इग्लू वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये स्पेशल फीचर नहीं है कश्मीर का, तो उसमें आएगा डी। ओके, तो जो क्वेश्चन 8 के जो आंसर है वो मैं आपको PDF में भेज दूंगी, फिर एक्टिविटीज़ में जो हाउस दिया है उसमें आपको कलर करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।